अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अभी सुबह सुबह अपना वेट चेक कर रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो मेरा वेट है 68, देख सकते हैं आप लोग, 68 मेरा वेट आया है, 68.45। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ज़ीरा वाटर। ज़ीरा वाटर लूँगी मैं, बिल्कुल मतलब निहार मुँह जिसे कहते हैं ना वो। उसके बाद ब्रेकफास्ट में जो है वो 1 बजे तक करूँगी। अभी टाइम हो रहा है 8:30। मुसलसल आप सिर्फ पानी पी सकते हैं या ग्रीन टी पी सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं ले सकते। मेरे 18 घंटे पूरे होने के बाद मैंने ये लिया है बाजरे की रोटी, मतलब पराठा टाइप की रोटी बनाई है, और जो है छोटी सी लोई की, और मैंने ये जो खुश्क ड्राई मूंग की दाल बनती है मेथी वाली वो ली है। फिर आ जाते हैं जी, मैंने इसके बाद ग्रीन टी दोबारा ली थी 1/2 घंटे बाद। फिर मैंने दिन के खाने में मतलब लंच मैंने लिया था चना पुलाव, ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल छोटी सी प्लेट में लूँगी, कम से कम 7 से 8 चम्मच। तो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, मैंने 7 से 8 ये छोटी सी प्लेट है, इसमें लेनी है राइस लेने, तो इतने आप ले सकते हैं राइस। तो बस मैं ये राइस लूँगी, और मुझको इतनी ख़ास भूख नहीं है क्योंकि बाजरे की जो रोटी या पराठा होता है वो आपको बिल्कुल फिल रखता है। उसके बाद देखिए जी, मैंने आपसे कहा था मैं ग्रीन टी लूँगी, तो ये मैं ग्रीन टी लूँगी सबसे पहले, फिर मैं खाना खाऊँगी, मतलब खाना लंच जो है ना वो मैं देर से करूँगी, 5:30 तक। तो मैंने अभी बाजरे वाली जो रोटी खाई हुई है उसी को ही डाइजेस्ट करने के लिए मैंने ये ली है ग्रीन टी। तो बस अभी मैं डायरी लिखूँगी ग्रीन टी पीते पीते। तो डायरी में मैं जो लिखती हूँ वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं जब भी डाइट करती हूँ या कोई मेरा मतलब प्लानिंग्स होती हैं वो मैं इस तरीके से लेकर चलती हूँ। इंटरमीटिंग फास्टिंग जो है वो मैंने जो फर्स्ट टाइम की थी वो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, मतलब वो मैंने पिछले महीने की थी। तो वो मैंने की थी 15 डेज़ की, लेकिन ये मैं 19 डेज़ की कर रही हूँ। 20 डेज़ की भी कर सकती हूँ, 19 या 20 डेज़ की करूँगी। तो मैंने 4 सितंबर से स्टार्ट लिया है। तो बस मैं इसको जो है वो 3rd डे जो है मैं लिखूँगी, और मेरा जो है वो पीरियड्स जो है वो थोड़े से लेट हो गए थे, तो बस 3rd डे में जो है मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज चीज़ें कम करूँगी। लेकिन आज के दिन मैं एक्सरसाइज कर चुकी थी, मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। और मैं इस तरीके से जो है वो अपने थर्मोस में बना के रख लेती हूँ टी। मैं लंच कर चुकी हूँ, लंच के 1 घंटे बाद 6 या 6:30 हो रहे होंगे, तो मैं फिर ले रही हूँ ग्रीन टी। उसके बाद थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने ये नमकीन जो मतलब रोस्टेड वो होती हैं क्रंची पीनट्स वो ली हैं मैंने, सुपर क्रिस्पी। तो बस इतनी ले सकते हैं आप, कोई भी ड्राई फ्रूट लें वो इतने ले सकते हैं कि आपकी मुट्ठी में आ जाए। रात खाने में मैंने डिनर में लिए हैं 2 बॉयल्ड एग, वाइट हल्दी मतलब हल्दी मिर्च लिया है उसके साथ भी। नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ, चीले देख सकते हैं, छोटी वाली प्लेट जो है ना वही है, ये देख लें आप लोग, छोटी वाली प्लेट के बराबर के मैंने चीले लिए हैं। एक थोड़ा सा बड़ा बन गया और एक बिल्कुल उसी के साइज़ का बना है। तो ये 2 चीले लिए हैं मैंने देसी घी लगा के, और साथ में जैगरी के साथ चाय ली है। मॉर्निंग में मैंने वही ज़ीरा वाटर लिया था निहार मुँह। तो अभी मैं इसको इंजॉय करती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बस मैं अभी इसको इंजॉय करती हूँ, और जो है मैं आप लोग को आइडियाज़ बता रही हूँ कि आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग लंच में। आज मैं थोड़ा बाहर गई थी तो मैं घर से बना के ले गई थी सैंडविच, चिकन सैंडविच, और फिर मैंने बाहर से कॉफ़ी ले ली थी। तो ये मैंने अपने लंच में लिया था आज। ये है जी 2 बॉयल्ड एग, फुल बॉयल करती हूँ, उससे आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। एंड 1 कप ऑफ मिल्क हल्दी वाला। अगर आप लोग भी मेरी इस जर्नी में साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के 2 डेज़ दिखाए मैंने, फिर आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।